आज हम बनाने वाले हैं बेसन और सूजी की बर्फी। एकदम दानेदार, मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी ये बर्फी हमारी। और इसे बनाने के लिए ना ही मिल्क पाउडर ना ही चाशनी हमने बनाई है। हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू माय चैनल किरण स्ट्रीट। तो आइए देखते हैं ये टेस्टी और बहुत ही सिंपल बर्फी हमने कैसे बनाई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप घी ले लिया है, लेकिन पूरा का पूरा घी हमें एक साथ यूज नहीं करना है। एक पैन में हम सबसे पहले 3 बड़े चम्मच घी गरम करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमें लो टू मीडियम रखना है। घी जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन को पहले आप छान लें, छानने के बाद ही बेसन को यूज़ करें। तो यहाँ पर लगभग 1.5 कप मैंने बेसन यूज़ किया है। 1.5 से 2 कप आप यहाँ पर आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमें इसे भूनना है लगातार। तो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम यहाँ पर यही है, इसे भूनना। जितने अच्छे से हम बेसन को भूनेंगे, उतनी अच्छी हमारी बर्फी तैयार होगी। तो भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आता है। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखें और इसे लगातार चलाते जाएं। तो थोड़ी देर भूनने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसन ने सारा का सारा जो घी था वो अब्सॉर्ब कर लिया है और ये काफ़ी ड्राई हो गया है। तो अब यहाँ पर हमने 1/3 कप सूजी मिला ली है। सूजी बारीक वाली ही लें, मोटी सूजी हो तो उसे ग्राइंड कर लें एक बार, या फिर आप यहाँ पर रवा भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे हम फिर से, और अब हम इसे फिर से भूनना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे, वैसे वैसे घी ये पहले अब्सॉर्ब करेगा बेसन और सूजी, और उसके बाद ये घी को रिलीज़ करेगा, जिससे कि जो हमारा मिक्सचर है वो गीला शुरू हो जाएगा होना। तो अभी तो ये ड्राई है, जैसे जैसे भूनते जाएंगे ये मिक्सचर गीला खुद ब खुद होता जाएगा। अब यहाँ पर बाकी का बचा हुआ घी भी मैंने डाल दिया है। तो सारा का सारा यानी कि 1/2 कप घी जो हमने लिया था वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसे फिर से भूनना शुरू करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई बिल्कुल ना करें, वरना ये जल सकता है। लो रखें या फिर मीडियम रखें, लेकिन इसे लगातार हमें इस तरह भूनते जाना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे रिलीज होने लगा है घी इससे, और ये थोड़ा सा गीला होने लगा है। तो इसी तरह इसे हम भूनते जाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर हमारा पूरी तरह से गीला ना हो जाए या लूज कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। अब यहाँ पर इसे मार्केट वाला लुक देने के लिए, यानी थोड़ा येलोइश कलर देने के लिए, मैंने यहाँ पर 1 चुटकी हल्दी मिला ली है। आप चाहे तो खाने वाला फूड कलर यानी कि येलो फूड कलर मिला सकते हैं, लेकिन हल्दी थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन है। और इसे लगातार चलाएं, आप देखेंगे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है। और अभी हल्दी डालने के बाद भी इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, वरना हल्दी की स्मेल भी आएगी। और ये बेसन अभी हमारा अच्छे से भुना नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब तक भुनना है? इससे एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, और दूसरा इसका जो कलर है वो धीरे धीरे हल्का सा डार्क हो जाएगा, यानी गोल्डन सा आपको ये दिखने लगेगा, और ये इस तरह से थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 कप चीनी। यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ मैं। और चीनी डालने के बाद अब हम इसे फिर से मिक्स करेंगे। तो इसे मिक्स जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है हमारा वो चीनी की वजह से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। इसे अभी हमें 2 से 3 मिनट तक के लिए और भूनना है। जैसे ही हम इसे भूनते जाएंगे तो चीनी जो है वो अपना मॉइस्चर रिलीज करेगी और ये फिर से हल्का सा गीला हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट बस मैंने इसे और भूना है, और अब ये सेट होने के लिए तैयार है। तो अब यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर शेप का केक मोल्ड ले लिया है। आप इस तरह का कोई भी गहरा बर्तन ले सकते हैं, या फिर आप प्लेट या थाली भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगा ली है, आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से बर्फी हमारी चिपकती नहीं है और बाहर बहुत आसानी से निकल आती है। इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है, और अब इसमें हम अपना बेसन और सूजी वाला जो मिक्सचर हमने भून के तैयार किया था वो डाल देंगे।
इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, ऐसे हाथ में उठाकर आप शेक कर लें। इसके ऊपर अब हम कुछ चॉप ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैं यहाँ पर बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ, आप कोई भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, या फिर आप रूम टेम्परेचर पर भी इसे ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं। तो 1 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, बहुत अच्छे से हमारी ये बर्फी जम के तैयार है। तो इस तरह से फॉइल को उठाकर हमने कंटेनर से बाहर निकाल लिया है। तो अब हम सबसे पहले इसे प्रॉपर शेप देंगे। इसके जितने भी साइड्स हैं उन्हें हम ट्रिम कर लेंगे, यानी चाकू से काट कर अलग कर लेंगे, जिससे कि हमें प्रॉपर एक स्क्वायर शेप का पीस तैयार मिलेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके स्क्वायर पीसेस करने हैं। अगर आपको बड़े पीसेस चाहिए तो आप लंबे लंबे पीसेस भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस पसंद है, तो मैं इसे छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में चाकू से इस तरह से काट रही हूँ। काफ़ी टेस्टी होती है ये बर्फी, बिल्कुल मुंह में घुल जाए ऐसी है, और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हम घर पे बना सकते हैं। आजकल लॉकडाउन के कारण वैसे भी हम बाहर से कुछ नहीं ला पा रहे हैं, तो क्यों ना अपनी फैमिली के लिए घर पर ही कुछ अच्छा हाइजीनिक हम तैयार करें। तो ये देखिए आप, इसके पीसेस बहुत अच्छे से कट के तैयार हैं। मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर, बिल्कुल मार्केट जैसी ये हमारी बर्फी बनकर तैयार है। एकदम दानेदार होती है ये मिठाई, और जैसे ही आप इसे तोड़ेंगे और मुंह के अंदर डालेंगे तो एकदम से घुल जाएगी, यानी कि कोई इसमें मिलावट नहीं है, शुद्ध है, हाइजीनिक है। आप ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है आपको तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल किरण स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।